सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसीलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नीयती नजर नहीं आ रही। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने भी वाज़ेह कर दिया, कहा जाती मफादात की खातिर मुल्क के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा, सबके लिए मर्दमशुमारी पर इत्तफाक करना लाजिम है। मुज़ाकरात में शिरकत करें, चेयरमैन सेनेट की मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त। सादिक संजरानी की मुफ्ती महमूद मरकज आमद, मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताजियत। चेयरमैन सेनेट का मौलाना से हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में शिरकत पर इसरार, मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया वो पार्टी फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। मैं भारत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? शाहिद काकान अब्बासी माफी मांगे या सबूत दें, पंजाब हुकूमत का मुतालबा। साबिक वजीर आजम के बयान को मुस्तरद कर दिया, कहा मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की करप्शन नहीं हुई। निगरान सूबाई वजीर इत्तला आमिर मीर ने कहा आटा स्कीम को पार्टी के अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है, पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब दे सकती है। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का भी शाहिद काकान अब्बासी को जवाब, कहा रमजान मुबारक में करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत से मुफ्त आटा फराहम किया। वजीर आजम ने स्कीम की खुद निगरानी की, मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए। आटा स्कीम में करप्शन पर नैब तहकीकात का आगाज करे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा चेयरमैन नैब शाहिद खाकान के बयान पर तहकीकात करें, पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को कचहरे में लाया जाए। शेख रशीद बोले शाहिद खाकान ने आटे की मत में 20 अरब की दिहाड़ी का बता दिया। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वजीर आला का किया धरा है, सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। परवेज इलाही के घर छापा किसने मारा, विफाक का इनकार, पंजाब हुकूमत लाइल। मदीना में मौजूद निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का परवेज इलाही के घर छापे का नोटिस, कहा अफसोस हुआ, टीम परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई मगर चौधरी शुजात के घर धावा बोल दिया, चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए, मदीना में मौजूद हूँ मगर तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ, किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उधर चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर रेंजर्स तैनात, दोनों दाखिली दरवाजों पर मौजूद। ऑपरेशन के दौरान चौधरी शुजात के घर का दरवाजा तोड़ने के बाद रेंजर्स तैनात की गई। पाकिस्तान में कोई सियासी आईनी और मौशी बहरान नहीं, मुल्क में सिर्फ एक शख्स की जिद और अना का बहरान है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने साजिश के तहत कौमी असम्बली तहलील की, जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के लिए सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गईं। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल वापस भिजवा दिया, पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने की हिदायत। आरिफ अलवी ने बिल आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया, कहा कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं, बिल और वजीर आजम के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी फिर लाहौर फतह करेगी, हमारे लीडर कभी मुल्क से नहीं भागे, कभी मुंह छुपाकर अदालत नहीं गए। वजीरे इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन के बाद कहा पीपल्स पार्टी कभी किसी के कंधों पर बैठकर नहीं आई, हमारा मुकाबला झूठ के बीज बोने वालों से है, किसी भी प्रोपोगंडे से मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क की सालमियत और इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए हमला किया गया, मुल्क पर डिजिटल हमला किया गया, स्पॉन्सर बाहर हैं, उनका मकसद इक्तदार के लिए हर हद को अबूर करना है। कमर जमान कायरा बोले मुखालिफीन आवाम में झूठ फैला रहे हैं, इमरान खान सिर्फ यूटर्न ही लेना जानते हैं। पा...
पाकिस्तान अमरीका और चीन में गैर जानबदारी बरकरार रखने की पोजिशन में नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत खारजा की अमरीका से ताल्लुकात पर अहम गुफ्तगू लीक। डिस्कॉट लीक्स में खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक खुफिया इंकशाफात एक मुआविन के साथ रूस यूक्रेन तनाज़े पर यूएन वोटिंग से मुतालिक हैं। मुआविन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया, करारदाद की हिमायत से पाकिस्तान के रूस से तजारत और तवानाई समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। करारदाद की हिमायत पाकिस्तान की पोजिशन में तब्दीली का तासुर देगी। लीक दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की अमरीका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फवायद को खत्म कर देगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने लीक दस्तावेजात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती हिमायत पर है। नदी नाले बिफर गए, दरिया मुंहजोर हो गए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। ज्यारत कल्लात पशीन कानोजई बोस्तान कचलाक और लोरालाई डूब गए। तुरबत और केस समेत साहली इलाकों नदी नालों में शदीद तुफियानी। दुखी कोलू समेत बोलान में यालाबारी। पिंजरा पुल को नुकसान, कचा हुआ जमीनी रबता आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। कराची में बरसते बादलों ने रुतही बदल दी, मौसम इंतहाई खुशगवार। ठंडी हवाओं का राज, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 2 मई तक बारिशों की पेशगोई। पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का गंदम की 2,75,00,000 मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया था। इस साल गंदम की गुज़िश्ता 10 सालों की नस्बत सबसे ज्यादा पैदावार हुई, जो मयारी बीज खाद की बिलातातुल फराहमी और किसान पैकेज की बदौलत मुमकिन हुआ। ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल 7 और डीजल 8 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। जराए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। मर्दमशुमारी में मजीद 2 हफ्ते की तौसी। 66 अज़ला में 15 मई तक फील्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रह जाने वाले घर और ढांचे शुमार किए जाएंगे।